हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन देसी कक्षा। आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस की इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और इसमें जो हम लोगों ने पहले चार्ज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, आज उसी चार्ज के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग थोड़ी और हमारी क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने Q इज इक्वल टू एन ई वाला फार्मूला जान लिया था। और इस फार्मूले में Q जो था वो क्या था, वो चार्ज था, और n जो था वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और e जो था वो था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। ठीक, तो यहां तक हम लोग पहुंच गए थे कि चार्ज और चार्ज की स्टडी हम लोगों ने कर ली थी। और चार्ज की स्टडी में हम लोगों ने यह देखा था कि क्यू इज इक्वल टू एन ई होता है, और इस पे हम लोगों ने दो न्यूमेरिकल भी किए थे, जिससे कि थोड़ा सा हमें ये आइडिया आ गया था कि अगर किसी भी चार्ज पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया हो तो हम उस पर चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, अब देखो, अब अगर हम लोग यहां तक पहुंच गए हैं तो अब हम लोगों की जो अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हम लोग ये जाने कि चार्ज कितने टाइप का होता है, चार्ज कितने टाइप का होता है। तो चार्ज का टाइप जानने से पहले थोड़ा सा तुम लोग ये जानो कि जो एटम होता है ना, एटम का जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है, नाइन्थ क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो दैट इज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और दूसरा क्या होता है, प्रोटॉन, और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के। अब देखो, इलेक्ट्रॉन पे जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है, और वो निगेटिव चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो इलेक्ट्रॉन पे −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे सेम चार्ज लेकिन विद अपोजिट साइन, यानी कि +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। और न्यूट्रॉन जो होता है भैया वो न्यूट्रल होता है, वो क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। तो अगर हम किसी भी एटम के बारे में अगर ये कहें कि वो एटम जो होगा वो कितने टाइप के चार्जेस को रखने की पॉसिबिलिटी उसके पास होगी, है ना, किसी भी एटम के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्जेस कितने हो सकते हैं। तो देखो, तीन ही फंडामेंटल पार्टिकल्स है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसमें से इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिवली चार्ज है, और प्रोटॉन हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, और न्यूट्रॉन चार्जलेस यानी कि न्यूट्रल है। तो सीधी सी बात है कि जो हमारा चार्ज होगा या टाइप ऑफ चार्ज होगा वो फाइनली कितने टाइप का निकल के आएगा, फाइनली दो टाइप का निकल के आएगा, या तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो वो निगेटिव चार्ज होगा। वेरी गुड, तो ऐसा करो कि यहां से लिख लो कि टाइप ऑफ चार्ज। ये अपनी मेन हेडिंग होगी, ठीक है ना आज की। और टाइप ऑफ चार्ज में सबसे पहला जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, और दूसरा होगा वो निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों चार्ज होते हैं हमारे, एक होगा पॉजिटिव चार्ज और एक होगा निगेटिव चार्ज, यानी कि फाइनली अगर हम लोग कहना चाहेंगे तो चार्ज है टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज है ना निगेटिव चार्ज। अब ये होगा कि भैया पॉजिटिव चार्ज किसे कहेंगे और निगेटिव चार्ज किसे कहेंगे। तो देखो, एक कॉन्सेप्ट आता है फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से, यानी कि घर्षण विद्युत से। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन के समय में जब उन्होंने चार्ज को डिफाइन किया था, जब उन्होंने चार्ज के टाइप को डिफाइन किया था, तो उन्होंने इस बेसिस पे डिफाइन किया था कि उन्होंने क्या किया था कि दो अनलाइक बॉडीज को ले लिया था। मान लो कि जैसे एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, दोनों अनलाइक बॉडीज को लेके और दोनों को क्या कराए थे, रब कराए थे। रब यानी कि रगड़े थे एक दूसरे के ऊपर। रगड़ने के बाद उन्होंने ये देखा था कि एक बॉडी के ऊपर ऐसा चार्ज आ गया है, मतलब एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है और दूसरे के ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बेंजामिन फ्रैंकलिन हैव डिवाइडेड द चार्ज इनटू टू टाइप्स, नंबर वन पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड वन इज निगेटिव चार्ज। लेकिन आगे चल के जब
जब आगे चल के इसको मतलब नॉर्मली नॉर्मली जब साइंस में इसको डिफाइन किया गया कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज कहते किसे हैं, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज सीधी सी बात है कि तीन तरीके के हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो सीधी सी बात है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन यानी कि अगर हम निगेटिव चार्ज के बारे में बात करना चाहेंगे तो हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि वो चार्ज जो इलेक्ट्रॉनों के एक्सेस से हमारे किसी भी बॉडी पर आता है उसको क्या कहते हैं, निगेटिव चार्ज कहते हैं। सीधी सी बात है कि भाई एक तुम्हारा एटम है और एटम के बाहर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अंदर में तुम्हारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन की क्या होता है, बराबर होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन की बराबर होता है। तो हमें ये बताओ कि अगर किसी भी चार्ज को है ना, अगर किसी भी बॉडी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो वो पर्टिकुलर बॉडी निगेटिवली चार्ज होगी या पॉजिटिवली चार्ज होगी। सीधी सी बात है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं तो इसका मतलब नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज अगर ज्यादा हो रहे हैं तो वो पर्टिकुलर बॉडी क्या होगी, वो पर्टिकुलर बॉडी निगेटिवली चार्ज होगी। ऐसे ही अगर कोई भी बॉडी हो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर लूज करेगी तो सीधी सी बात है उस पर्टिकुलर बॉडी में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन पहले बराबर थे लेकिन अब क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ निकलकर चले गए, लूज हो गए, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अल्टीमेटली ज्यादा हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स उस पर्टिकुलर एलिमेंट में ज्यादा हो गए, उस पर्टिकुलर एलिमेंट में नंबर ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट ज्यादा हो गए। तो पॉजिटिव अगर चार्ज ज्यादा हो गए तो सीधी सी बात है कि उस पर्टिकुलर प्रोटॉन अगर ज्यादा हो गए तो नंबर ऑफ अगर प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो पॉजिटिवली चार्ज होगी वो पर्टिकुलर बॉडी। तो इस तरीके से अगर कोई भी बॉडी है, अगर उस बॉडी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ रहे हैं है ना, एक्सेस हो रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर बॉडी निगेटिवली चार्ज होगी। अगर कोई भी बॉडी है अगर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकाल रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है, तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उस पे ज्यादा हो जाएंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से वो पर्टिकुलर बॉडी क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगी। तो इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दो तरीके के चार्जेज हुए और इस तरीके से हम लोग चार्ज को दो टाइप में हम लोगों ने इसको बाइफर्केट करके पढ़ा। अब देखो, अब चार्ज की स्टडी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना, चार्ज की स्टडी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और हम लोग ये जानते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होती है। चलो देखो अगर हम लोग है ना डिफिनेशन की बात करें कि क्या होगी डिफिनेशन पॉजिटिव चार्ज की या निगेटिव चार्ज की, ठीक है ना, तो पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज की अगर हमें डिफिनेशन लिखना हो तो डिफिनेशन आप लिख सकते हैं इंग्लिश में, अगर लिखना चाहो तो ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन अ बॉडी, चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक या एक से अधिक अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद ठीक है ना, लूज करने के बाद जो चार्ज हमारी बॉडी पर आता है उसे क्या कहते हैं, उसे पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं कि ड्यू टू द एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन द चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के बाद जो आवेश आता है हमारी बॉडी पे उसे हम कौन सा आवेश कहेंगे, उसको हम ऋण आवेश करेंगे। और अगर एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को अगर लॉस करता है कोई भी एलिमेंट तो उस पर जो आवेश आता है वो आवेश हमारा क्या होता है, वो आवेश हमारा धनावेश होता है। तो इस तरीके से हमारा ऋण आवेश और धनावेश दो तरीके के आवेश हमारी बॉडी है ना हमारी बॉडी पर हो सकते हैं। तो इस तरीके से टाइप ऑफ चार्जेस हम लोग खत्म किए। अब देखो चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, आइए हम उस प्रॉपर्टीज को जानने की कोशिश करें। तो देखो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है लाइक चार्जेस रिपल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। देखो
लाइक चार्जेस, यानी कि जैसे मान लो एक निगेटिव चार्ज है दूसरा ही निगेटिव चार्ज है, तो ये जो दोनों चार्ज होंगे ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे। लेकिन वहीं पे क्या होता है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक निगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अब चलो तुम लोगों की एक ड्यूटी है कि तुम लोगों को ये पता करना है, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट तुम्हारे अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि भैया ऐसा क्यों होता है कि लाइक चार्जेस जो होते हैं यानी कि एक समान चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा क्यों होता है, जरा सोचो। अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ भी आंसर आता हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। वास्तव में क्या होता है, तुम्हें थोड़ा सा आइडिया मैं दे दूं कि ऐसा क्यों होता है। देखो वास्तव में थोड़ा सा जब साइंस को तुम और एक्सप्लोर करोगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे, तो जब कभी भी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन निकलता है, जब कभी भी किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वहां पे पता है वहां पे होल क्रिएट हो जाते हैं। तो अगर कहीं से अगर इलेक्ट्रॉन निकला है तो वहां पे इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे होल क्रिएट हो गया है। और दूसरी बॉडी जो है अगर उसके पास नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या होगा, कहीं पे होल है और कहीं पे इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये अब देखो, होल का मतलब पॉजिटिव चार्ज और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब निगेटिव चार्ज, तो कभी भी ये जो दोनों बॉडी हैं अगर आसपास आई तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन के पास टेंडेंसी होगी होल को फिल करने की। तो इस वजह से क्या होता है कि अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो कुल मिला के वास्तव में क्या है कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये एक नेचुरल फिनामिना है। इसको बहुत अच्छी तरीके से तो किसी ने डिफाइन नहीं किया, लेकिन हाँ कुछ ऐसी छोटी छोटी थ्योरीज, जैसे मैंने होल और इलेक्ट्रॉन की थ्योरी बताई, तो इस तरीके की कुछ थ्योरीज हैं जिनके बेसिस पे हम समझ सकते हैं। चलो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर सेम, है ना। तो जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना, जो मैग्नीट्यूड होता है चाहे वो पॉजिटिव चार्ज का हो या निगेटिव चार्ज का हो, दैट इज इक्वल होता है। कितना होता है वो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये चीज तुम्हें पहले ही लेक्चर में ये चीज तुम्हें पता चल रही थी कि जो मैग्नीट्यूड होता है वो चाहे निगेटिव चार्ज का हो पॉजिटिव चार्ज का हो दोनों इक्वल होता है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। भैया चार्ज इज क्वांटाइज्ड इसका क्या मतलब होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब ये होता है भैया कि चार्ज हमेशा होल नंबर्स के फॉर्म में पाए जाएंगे। तुम्हें फार्मूला याद है ना q = ne। तो q ये चार्ज है, ठीक है ना। n क्या है, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और e जो है वो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। तो कभी भी ये जो तुम्हारा चार्ज होगा वो हमेशा मल्टीपल के फॉर्म में होगा, किसके, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब के, ठीक है ना। अगर इसको तुम एक यूनिट मान लेते हो तो ये चार्ज की जो वैल्यू हमेशा आएगी या तो एक यूनिट या तो दो यूनिट या तो तीन यूनिट इस तरीके से आएगी, कभी भी वो 1.5 या 0.25 इस तरीके के फॉर्म में कभी नहीं आएगी। इसलिए नहीं आएगी क्योंकि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो कभी ऐसा थोड़ी ना होगा कि वो पॉइंट के फॉर्म में 1.6 इलेक्ट्रॉन है ना, 2.8 इलेक्ट्रॉन, ऐसा तो होगा नहीं। कभी भी जब नंबर की बात करेंगे अपन तो होल नंबर की बात करेंगे, पूरी संख्या के बारे में बात करेंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है ना। अब जो चौथी प्रॉपर्टी पे तुम्हें खुद दिमाग लगाना है, ठीक। पहले तो तुम खुद दिमाग लगाओगे कि भैया इसका मतलब क्या है, अगर दिमाग लगा ले गए तो समझ लो कि यस यू आर द बेस्ट। अब देखो अनलाइक मासेस द इलेक्ट्रिक चार्ज on an object is not affected by the motion of object। इसका मतलब ये हुआ कि मास की तरह, जैसे मास होता है ना,
मास को ये कहा जाता है कि अगर उसको हम एक वेलोसिटी से, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से खूब तेज से फेंक दें, या यूं कह दो कि मूव करा दें, तो उसमें, तो उसकी प्रॉपर्टी में चेंज आ जाता है। प्रॉपर्टी में चेंज आ जाता है मतलब, थोड़ा सा याद करो आइंस्टाइन का ये फार्मूला E=mc स्क्वायर। हाँ भैया कुछ कुछ याद आ रहा है लेकिन ये पता नहीं है कि ये क्या है। अब सुनो ध्यान से, वास्तव में ये कहा गया कि अगर किसी भी मास को अगर c स्क्वायर के वेग से अगर हम स्पेस में फेंक दें तो पता है क्या होगा, दैट पर्टिकुलर मास विल कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दैट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू mc स्क्वायर। ओके, तो लेकिन ऐसा अनलाइक द मासेस द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ ऑब्जेक्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन ऐसा चार्ज के साथ कभी नहीं होता है। तो ये प्रॉपर्टी भी चार्ज की याद रखना, अगर कोई तुमसे पूछता है कि चार्ज को अगर हम मूव करा दें सी स्क्वायर से या किसी भी पर्टिकुलर वेलोसिटी से, तो क्या उस चार्ज पे कोई इफेक्ट आएगा? नो, नेवर, उस चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इफ दैट इज पॉजिटिव चार्ज देन दैट विल रिमेन, इफ दैट इज नेगेटिव चार्ज देन दैट विल रिमेन। वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। दैट विल नॉट कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक मासेस। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से ये चार प्रॉपर्टीज हो गई। इन चारों प्रॉपर्टीज को आप अपने दिमाग में रखिए। अब चलो, अब हमारा क्या हुआ, अब हमारा ये चार्ज का जो कॉन्सेप्ट था ये लगभग कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। ठीक, अब चलो हम लोग चार्ज के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट फुल्ली अपना बन जाए। ठीक, तो जैसा कि हम लोग ये जानते हैं कि जब ग्लास रॉड को किसी भी रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, तो जो रॉड होती है ना, जो ग्लास रॉड होती है, उस पर पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है। अब तुम सीधे से बताओ कि पॉजिटिवली चार्ज रॉड पे क्यों आया? सीधी सी बात है, पॉजिटिवली चार्ज रॉड पे इसलिए आया होगा क्योंकि जब रेशम के कपड़े से रॉड को रगड़ा गया होगा, तो रॉड से कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम के कपड़े पर चले गए होंगे, जिसकी वजह से रॉड पर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यू बोलो तो प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक्सेस हो गए होंगे, जिसकी वजह से रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। अच्छा, ऐसे ही अगर एबोनाइट की छड़ को हम लोग किसी फर से रगड़ते हैं तो एबोनाइट पे निगेटिव चार्ज आ जाता है। सीधी सी बात है, निगेटिव चार्ज इसलिए आया होगा क्योंकि फर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके किस पे आ गए होंगे, एबोनाइट की रॉड पे आ गए होंगे। तो इसलिए एबोनाइट की रॉड क्या हो गई होगी, इसलिए एबोनाइट की रॉड हमारी निगेटिवली चार्ज हो गई होगी। तो अब इसी पे हम लोग क्या करते हैं कि चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में होता है, इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से कि इफ वी रब अ ग्लास रॉड विद अ सिल्क क्लॉथ, ओके सिल्क क्लॉथ, देन 1 माइक्रो कूलम चार्ज अपियर ऑन द रब्ड ऑब्जेक्ट, फाइंड आउट द चार्ज पार्टिकल। तो कौन सा चार्ज पार्टिकल आया है रॉड पर, है ना, या कितने नंबर में आया है, उसी नंबर को हमें निकालना है। तो सीधी सी बात है, अगर वन कूलाम चार्ज आया है, जैसे देखो ये क्या था, ये हमारा सिल्क का एक क्लॉथ था और इस क्लॉथ पे क्या किया गया कि एक ग्लास रॉड और ये सिल्क का क्लॉथ था, इस पर हमने एक ग्लास रॉड रगड़ने से क्या हुआ कि इस पर 1 माइक्रो कूलाम, तुम्हें बताया था ना कि चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कमॉन मेरे साथ, चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलाम होती है। तो 1 माइक्रो कूलाम चार्ज अगर इस पर आया है, इस ग्लास रॉड पर अगर 1 माइक्रो कूलाम चार्ज अपीयर हुआ है, तो तुम्हें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल बताने हैं। तो देखो हमारे पास एक फार्मूला है q = ne, और q की वैल्यू यहां पे कितनी है, q की वैल्यू है 1 माइक्रो कूलाम
1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो भैया 1 माइक्रोमीटर में 10^-6 तो 10^-6 कूलाम हो जाएगा यहां पे, 10^-6 कूलाम। एन की वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करनी है, ई की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10^-19 कूलाम होती है। तो यहां से एन बराबर क्या हो जाएगा? एन बराबर हो जाएगा क्यू अपान ई। कोई दिक्कत? अगर एन बराबर क्यू अपान ई हो जाएगा तो क्यू की वैल्यू हमें पता है, क्यू की वैल्यू कितना है? 10^-6 है। अपान ई की वैल्यू कितना? 1.6 × 10^-19। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो लगभग जानते हो कितना आएगा? 10^12 पार्टिकल्स आएंगे। तो यानी कि 10^12 क्या, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो सीधी सी बात है 10^12 प्रोटॉन आए होंगे, 10^12 प्रोटॉन एक्सेस हुए होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि 10^12 इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से निकल के कहां गए होंगे? ग्लास रॉड से निकल करके सिल्क वाले कपड़े पर चले गए होंगे, जिसकी वजह से क्या हुआ होगा? ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक, अब तक हम लोग क्या कर रहे थे? अब तक हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे, और चार्ज वगैरह ये सब क्या है? ये सब एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की। अब सुनो, अब वास्तव में अब हम लोग इंटर किए हैं एक ओरिजिनल फिजिक्स में। ठीक है ना, अब एक ओरिजिनल करंट और रेजिस्टेंस वाली सीरीज में, जिस सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं, अब हम लोग वास्तव में अब घुसे हैं असली फिजिक्स में। अब यहां से हम लोग शुरू करेंगे करंट, इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, ठीक है ना, या हिंदी में उसको विद्युत धारा बोलते हैं। वास्तव में जैसे ये वायर देख रहे हैं ना, ये वायर, जैसे मैं यहां से माइक से बोल रहा हूं और इस वायर के थ्रू कुछ इलेक्ट्रिक पल्सेस जा रही है, तो वास्तव में ये इलेक्ट्रिक पल्सेस नहीं है। अगर इसमें से करंट थोड़ा बहुत कुछ मिली एम्पियर में करंट जा रहा है तो ये करंट नहीं है। इसमें वास्तव में जानते क्या हो रहा है? इसमें द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से करंट जा रहा है। ठीक है, तो सुनो ध्यान से, जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा है उसकी जो डेफिनेशन है वास्तव में वो है कि किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी इंग्लिश में अगर कहना चाहोगे तो इन एनी कंडक्टर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट कुछ होता है, ये क्या होता है? जैसे मान लो ये तुम्हारा एक वायर है, तो इस वायर, ये वायर तुम्हारा क्या होगा? किसी ना किसी एलिमेंट से मिलकर बना होगा भाई, चाहे कॉपर वायर होगा, चाहे तुम्हारा जस्ता का वायर होगा, चाहे एल्यूमिनियम वायर होगा, कोई ना कोई वायर होगा। तो ये वायर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, और आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव करते हैं, उन्हीं से चार्ज बनता है। अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं चार्ज में। तो देखो, वास्तव में ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव करते हैं, इस वायर के थ्रू। तो वही है ये कि विद्युत के आवेश के प्रवाह की दर बोले तो प्रति सेकेंड, I = Q/T होता है। Q क्या है? चार्ज है, और T क्या है? समय है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि विद्युत धारा का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? C बोले तो कूलाम अपान सेकेंड, या इसी को हम लोग SI यूनिट में कूलाम पर सेकेंड को ही हम लोग एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इस बात का याद रखना हमेशा। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है या लोग पूछ लेते हैं कि भैया ये बताओ कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो चार्ज के फ्लो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो कहते हैं हाँ सही है, बात तो बिल्कुल सही है कि जैसे मान लो कि ये तुम्हारा एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टिंग वायर है, और इस वायर में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्लो करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्लो जिधर करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में
करंट की उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट की वैल्यू जो होती है, करंट की धारा जो होती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन तो फिक्स है, डायरेक्शन फिक्स है ना भाई, कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो इसको तो ये सदिश हुआ कि अदिश हुआ भाई, ये सदिश हुआ कि अदिश हुआ? चलो जरा सोच के नीचे कमेंट करो, नीचे कमेंट करो। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो, इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, या यूं कह लो, या इसको स्केलर भी नहीं बोलते, इसको वेक्टर भी नहीं बोलते, इसको टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है ना। एक थर्ड टाइप की क्वांटिटी होती है, इसे टेंसर बोलते हैं, इसे टेंसर बोलते हैं। टेंसर ये इसलिए होता है क्योंकि आगे चल के जब आप 11th क्लास में जाओगे, 12th क्लास में जाओगे, तब आप वहां पे पढ़ोगे कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो स्केलर को स्केलर कहलाती है और वेक्टर को वेक्टर कहलवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। उसमें से एक होता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम या एडिशन ऑफ, है ना, एडिशन ऑफ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो उसको ये फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को, ये एडिशन ऑफ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को ये फॉलो नहीं करता है, जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, इसको टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बात हमेशा याद रखना कि ये ना स्केलर है ना ये वेक्टर है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, टेंसर है, ठीक। तो यहां पे आई इजिकल टू, हमें एक फार्मूला मिल गया, आई इजिकल टू क्यू अपॉन टी, यानी कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इसके बारे में सारी जानकारी हम लोग पाएंगे कि आई से इसको डिनोट करते हैं कूलाम अपॉन सेकेंड या कूलाम पर सेकेंड, इसका क्या होता है, यूनिट होता है, इसी को हम लोग एम्पियर भी बोलते हैं। और इसको किस डिवाइस से मापा जाता है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर मान लो कोई वायर है, अगर कोई वायर तुमको दे दिया गया है, अगर इस वायर के बीच में, है ना, इस वायर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, अगर वो तुम्हें निकालना हो तो तुम किस डिवाइस से मापोगे, उस डिवाइस का नाम होता है एमीटर, ठीक है ना, उस डिवाइस का नाम होता है एमीटर। तो एमीटर से हम लोग क्या करते हैं, एमीटर से विद्युत करंट को या विद्युत धारा को मापते हैं। तो इतना हम लोग जान गए। अब देखो, अब हम लोग दो चार क्वेश्चन अच्छे अच्छे कर लेते हैं, जिससे हम लोगों का कॉन्सेप्ट जो है इलेक्ट्रिक करंट का बिल्कुल अपना बन जाता है, बिल्कुल मजबूती के साथ। ओके, चलो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे सामने डिजाइन किए हैं, इस क्वेश्चन से तुम्हारा अब तक का जितना भी सीखे हो वो सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारा एक बार रिवाइज हो जाएगा। चलो, इफ 25,000 इलेक्ट्रॉन्स आर क्रॉसिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कॉपर वायर, ये कॉपर वायर, ठीक, कॉपर वायर इन 10 मिनट, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्वेश्चन है तुम्हारा। इसमें क्या करना है कि एक कॉपर वायर है, अब देखो इसको समझो, पहले इसके बेसिक्स पे जाओ और समझने की कोशिश करो कि ये क्या कह रहा है। देखो, एक कॉपर वायर है, ठीक, एक कॉपर वायर है, और इस वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्या हो रहा है, 25,000 इलेक्ट्रॉन्स पर 10 मिनट में, यानी कि 10 मिनट्स में कितने 25,000 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं अगर उस वायर से, तब तुम्हें बताना है इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू। अब देखो, अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें आई की वैल्यू, यानी कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। तो चलो देखो, इसको सॉल्व कैसे करोगे, तुम्हें क्या क्या पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, ठीक, तुम्हें क्या पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, कितना है, 25,000 है, ठीक, 25,000 ये है, और तुम्हें टाइम पता है, टाइम कितना है, टाइम इज इक्वल टू है 10 मिनट है। अब तुम्हें बताना है आई की वैल्यू। तो देखो, फिजिक्स का क्वेश्चन कभी भी तुम्हारे सामने, ठीक है ना, अगर फिजिक्स का कभी भी न्यूमेरिकल तुम्हारे सामने आए, तो सबसे पहले तुम्हें जानते हो क्या करना है, सबसे पहले एट द फर्स्ट यू हैव टू राइट द क्वांटिटीज दैट यू हैव टू गिवन, ठीक, तुम्हें जितनी भी क्वांटिटीज गिवन है उनको सबसे पहले राइट डाउन कर लो, उसके बाद अपना दिमाग लगाना शुरू करो कि क्या क्या हमें मालूम है और क्या क्या हमें मालूम करना है। तो देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोले तो एन है ना, एन की वैल्यू पता है, ठीक,
टाइम तुम्हें पता है, तो भैया हमें ये बताओ कि तुम्हें फाइनली निकालना तो करंट की वैल्यू है, और आई इजिकल टू क्यू अपान टी होता है, क्यों तो हमें मालूम ही नहीं है, तो हम आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो तुम्हें फार्मूला पता होना चाहिए कि क्यू इजिकल टू क्या होता है, एन ई होता है, और एन क्या है, एन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर कितना है 25,000। E की वैल्यू तुम्हें पता होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, तो क्या यहां से Q की वैल्यू तुम्हें आ गई, और T कितना दिया गया है 10 मिनट दिया गया, 10 मिनट को सेकंड में बदल लो, 10 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करोगे 60 से मल्टीप्लाई करोगे, अब सीधे से काट दो जो कट 60, अब दो जीरो ये कटा, दो जीरो ये कटा, अब आगे आएगा तुम्हारा 25 छक्का 150, 25 × 25 = 15, 40, ओके एक शून्य और बढ़ाओ, और × 10⁻¹⁹, और एक ये वाला दशमलव यहां आ जाएगा, अपान 6, कोई दिक्कत? अब देखो, अब 6 से इसमें भाग लगा दो, काम खत्म, तो 6 × 6 = 36, 4 × 6 = 36, 36, और 0.6 × 10⁻¹⁹ कितना आ जाएगा −19, या यूं कह लो कि 6.67 × 10⁻¹⁹ एम्पियर, कोई दिक्कत? अब देखो ये आ गई तुम्हारी आई की वैल्यू कितनी एम्पियर आ गई। तो यहां से कुल मिला के हम लोगों को दो तरीके के फार्मूलों का रिवीजन भी हुआ हमारा, एक क्यू इजिकल टू एन ई और एक आई इजिकल टू क्यू अपान टी। तो इस तरीके से कभी भी अगर हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एट अ फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन ऑल द क्वांटिटीज दैट इज गिवन, सबसे पहले जितनी भी चीजें दी गई हो उनको लिख लो, उनको लिख लो, उसके बाद अपना दिमाग चलाना शुरू करो कि अब क्या हमें निकालना है और क्या हमें दिया गया है। जैसे यहां पे क्या था, यहां पे क्यू इजिकल टू एन ई, ये वाला पोर्शन हमें नहीं पता था, लेकिन हम लोगों ने दिमाग लगाया कि एन की वैल्यू हमें दी गई है, ई की वैल्यू हमें मालूम होती है, इस तरीके से हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को फॉरवर्ड करते चले गए और फाइनली हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो चलो एक आध क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को माइंड अप करते हैं, ओके। ये क्वेश्चन है बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा, एकदम फॉर्मूला बेस्ड, और मैं ये चाहता हूं कि मुझसे सॉल्व करने से पहले तुम लोग इसका आंसर कमेंट में लिख दो। चलो, इफ 4 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू एनी कंडक्टर फॉर 10 सेकंड, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की तुम्हें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले वही कहा गया कि फिजिक्स में अगर कुछ भी, अगर कोई भी क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना हो तो सबसे पहले तुम्हें लिखना होगा जो क्वांटिटीज तुम्हें दी गई है। चलो देखो, 4 कूलम दिया गया है, यानी कि Q की वैल्यू कितनी दी गई है 4 कूलम, तो देखा टाइम दिया गया है तुम्हें कितना 10 सेकंड, टाइम दिया गया है 10 सेकंड, तुम्हें निकालना क्या है, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक करंट। I की वैल्यू चलो बताओ, I की वैल्यू क्या होता है, I की वैल्यू Q अपॉन T होता है, तो Q की वैल्यू कितनी है 4 है, T की वैल्यू कितनी है 10 सेकंड है, तो कितना आ जाएगा 0.4 एम्पियर, तो देखा बिल्कुल लेना। चलो देखो, अब इस तरीके के क्वेश्चंस अपन लगा लेंगे। अब हम ये मानते हैं कि अगर हमें कोई भी दिक्कत होती है तो हम लोग बिल्कुल नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट